एक खास तौर पर महिलाओं का प्रोग्राम था आगाज महिला ब्रिगेड। कुछ सालों पहले आगाज महिला ब्रिगेड का गठन हुआ, कुछ हमारी बहन मदीना शेख, उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, उनकी सुरक्षा के ऊपर, उनकी नौकरी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके कुछ छोटे छोटे हर गांव गांव तक के उनको जाकर उनको किस तरीके से उनके बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं, उनको सुरक्षा किस तरीके से दे सकते हैं, उनको एजुकेशन किस तरीके से दे सकते हैं। इसीलिए खासतौर पर आगाज महिला ब्रिगेड, ब्रिगेड जो है एक जिस तरीके से हाजी अराफात शेख की ब्रिगेड है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि हमको ब्रिगेड होना चाहिए कि हमारी महिला भी जिस तरीके से आपकी वाहतुक संगठन काम करती है, तो महिला ब्रिगेड भी उसी तरीके से दूसरा रूप बोलकर काम करेगी, महिलाओं को नौकरी दिलाने से लेकर हर छोटी छोटी जिसमें उनके कोई अत्याचार भी होता है तो उसी के ऊपर भी वो काम करेगी। तो उसने शुरुआत की है, ये दूसरा प्रोग्राम था, लेकिन ये बड़े पैमाने पर इस साल बनाए क्योंकि महिला ब्रिगेड इतने पूरे महाराष्ट्र भर तो बढ़ चुकी है, हर जिले तक के जाके हर 36 के 36 जिले में उनके जिला अध्यक्ष हैं, तालुका अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, विभाग अध्यक्ष हैं और कई 14 महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट चिटनीस के रूप में आज हमारे खासदार अमर साबले जी की बेटी वो भी साथ में जुड़ गई, उनको वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया। उसकी खास बात यह है कि वो देश भर में वर्चुअल इंडिया के माध्यम से पढ़ेगा देश, सीखेगा देश, उसके माध्यम से पूरे देश भर में गरीब बच्चों को लोग खासतौर पर इल्म की दावत देकर लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इस सुबह अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि पूरी कोशिश रहेगी अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से आने वाले आचार संहिता के बाद जो भी सरकार की जितनी भी योजना है, सरकार की सारी योजना मैं उन तक पहुंचाने का काम करूंगा, कोशिश करूंगा। आज ये एक महिला, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, इसी तरीके से मैं इनको बधाई देता हूँ, दुआ देता हूँ, इसी तरीके से आप काम करते रहिए और इस ब्रिगेड को बढ़ाइए। उस ब्रिगेड के अंदर एक मैं हिस्सा बोलकर, इनका एक भाई बोलकर इनके साथ हमेशा खड़े रहूंगा, इनकी हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, बिल्कुल ये आगाज महिला ब्रिगेड के ऊपर, ये हाजी अराफात शेख सरकार के माध्यम से और खुद पर्सनल व्यक्तिगत मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, यही आपके सामने कहूँगा। जिस महिला को तकलीफ है, कष्ट है, उसे यहाँ तक आना हो, कैसे आपको? बिल्कुल, इनकी कुरला के अंदर मध्यवर्ती कार्यालय है, शुक्रवार के दिन उस कुरला इत्तेफाक से मैं कुरला कार्यालय में बैठता हूँ, इनके लिए गुरुवार का दिन दिया गया है और हर महाराष्ट्र के 36 के 36 जिलों के अंदर महिलाओं की कार्यालय बनेगी। कार्यालय का हम इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि जैसे कि एक हमारा इमरान पवार करके हमारा बंदा है जिसने एक बहुत अच्छी यहाँ पे क्लासेस खोली है, जिसके उसके वजह से तो हम ब्यूटी पार्लर का क्लासेस होने दो, उनको सिलाई मशीन की क्लासेस होने दो और बहुत सारी जो योजना है वो योजना के ऊपर सरकार की वो काम कर रहे हैं, उसी के अंदर वहाँ पर उनका कार्यालय भी होगा और वो महिला लोगों को सिखाएगी भी और उनको बिजनेस भी देने का काम करेगी, खुद भी अच्छा पैसा कमाएगी और उनका घर परिवार को वो खुशहाल रख सकती है उसके माध्यम से। ऐसा नहीं है, देखिए अभी जितने भी जो लोग जुड़ रहे हैं सब क्वालिफाइड लोग जुड़ रहे हैं, उनको वो चाहती है कि अगर आज हमारी महिला अगर इंग्लिश में बोलती है और वो एक डबल ग्रेजुएट है, हमारी बहन डबल ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई IAS है, कोई IPS के बच्चे उनके साथ जुड़े हुए, तो हर बच्चा IAS बनना चाहिए, हर बच्चा IPS बनना चाहिए, हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, हर बच्चा वकील बनना चाहिए, कि गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? अगर एक गरीब का बच्चा अगर पढ़ता है, एक परिवार पढ़ता है, एक बेटी हमारी पढ़ती है वो अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है, तो ये कोशिश रहेंगे हर घर के अंदर एक IAS IPS होना चाहिए, ये विजन लेके ये महिला ब्रिगेड पूरे महाराष्ट्र भर में काम करेगी। देखिए यही है, मेरे बच्ची ने कुछ दिनों पहले मुझे कहा कि आपका महिला ब्रिगेड का प्रोग्राम हो रहा है अबू जी, मैं भी उसमें गाना गाना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले वो स्कूल के अंदर, उसको बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने हिस्सा लिया, उसके अंदर ये गाना उसने सेलेक्ट किया। देखो किस तरीके से होता है कि हमारे जो संस्कार होते हैं वो घर से होते हैं, अगर हम हमारे बच्चों को अगर अच्छे संस्कार देंगे और जात पात को बाजू में रख के एक इंसानियत का पैगाम पहुँचाने का काम करेंगे, तो तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अगर मेरे बच्चों को ये संस्कृति मेरे घर के अंदर संस्कार दूंगा, तो वो बच्चे आने वाले कल के अंदर अपने दोस्त होंगे, अपने फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ उसी तरीके से पेश आएंगे, उनके अंदर ये गैप नहीं होगा कि मैं मुसलमान हूँ और ये हिंदू है, एक फैमिली बनकर, एक खानदान बनकर एक देश में रहना चाहिए। इसीलिए खासतौर पर उन्होंने कहा था और मैंने कहा कि आप बिल्कुल गा सकती हो। अनुजा से कुछ दिनों से बात कर रही थी कि मेरे अबू जी को मनाओ कि मैं स्टेज पर गाऊँ, उन्होंने और मदीना जी ने मुझे कहा कि नहीं, अगर बच्ची बोलती है और यही
शुरुआत है। अगर हम मेरे घर से अगर मेरे बच्चों को अगर मैं बेटियों को अगर मैं बढ़ावा दूंगा, मोटिवेट करूंगा, आगे बढ़ो, अगर मैं मेरे घर में नहीं करूंगा तो भी बाहर किस तरीके से होगा। इसकी शुरुआत मैंने मेरे घर से की और मेरी बेटी को कहा कि आप बिल्कुल गा सकते। जब वो गा रही थी, मैं भी सोच रहा था कि मेरी बच्ची आज मेरे सामने पहली बार, जबकि हमारे घर के अंदर एक सिस्टम है कि बच्ची जब हम जाते हैं घर में तो एक पर्दे का मामला होता, लेकिन आज मेरी बच्ची इतने सारे लोगों के सामने जब गा रही थी तो मुझे भी खुशी हो रही थी कि आने वाला कल भविष्य उसका अच्छा होगा। आज ही स्टेज पे गा रही है, एक दिन वो दुनिया के बड़े से बड़े व्यासपीठ पे गाए और बड़े से बड़े व्यासपीठ पे लोगों को पैगाम पहुँचाया, अच्छे पैगाम पहुँचाए। आज इन्होंने जो भजन सेलेक्ट किया, ये मुझे लगता है कि अपने आप में मेरे बच्चे के लिए एक अच्छे संस्कार देने का मैं छोटा सा एक कोशिश कर रहा हूँ। बताता है कि एक महिला की तरक्की में जब भाई जुड़ जाता है तो उसमें कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। मैं कहना चाहूँगी आज आगाज़ महिला ब्रिगेड का हमने सेकेंड बड़ा प्रोग्राम लिया और मुझे भाषण करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत टाइम से लोग बैठे थे और जाने लगे तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाएँ कमज़ोर नहीं होती, महिलाएँ शक्तिशाली ही होती है, उसे शक्ति का रूप कहा गया है। अगर परमात्मा उसको रचना की जिम्मेदारी देता है तो वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? महिलाएं कमज़ोर नहीं होती है। हमने विधवा शब्द आते ही लोग सोचते हैं कि वो उसके प्रति दया बताते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब झांसी वाली रानी अंग्रेज़ों से लड़ी थी तो वो विधवा थी, अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेज़ों से लड़ी थी, वो विधवा नहीं हो सकती। मैं मराठी के भाषण में हमेशा कहती हूँ कि महाराष्ट्राला घडविणारे महाराज शिवाजी आणि त्यांना घडविणारी त्यांची आई जिजाऊ, जो शिवाजी को घडा सकती है, बना सकती है, त्याच्या घडवणूक करणारी किती शक्तिशाली असेल। और गुस्ताखी माफ, हम हाजी अराफात शेख को सब जानते हैं, पर हाजी अराफात को बनाने वाली उसकी माँ कितनी स्ट्रांग होगी, इसके बारे में भी हमें सोचना। नारी अशक्त नहीं है, जरूरत है नारी के सशक्तिकरण की नहीं, नारी के समाजीकरण की, उसको उसका हक देने की, उसको उसका स्थान देने की जरूरत है। आगाज़ महिला ब्रिगेड जो है वो महिलाओं द्वारा संचालित महिलाओं की संगठन है, क्योंकि एक महिला ही दूसरी महिलाओं को समझ सकती है, उसके प्रॉब्लम समझ सकती है और उस पर काम कर सकती है संजीदगी से। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है तृप्ति देसाई। यह आगाज़ महिला ब्रिगेड का बिगिनिंग ही इस तरह से हुआ था कि एक तृप्ति देसाई कोई बदतमीज कोई मंदिरों में घुस जा रही थी, कोई शनि सिंगनापुर में घुस जा रही थी, हाथ लगा रही थी और उसने कहा कि मैं हाजी अली में घुसूंगी और मैं दरगाह शरीफ को छूंगी, जो कि जो दरगाह के रूल्स के खिलाफ है कि एक महिला जाके उधर के कायदे कानून को तोड़े। तो उस वक्त उस महिला इतनी विपरीत, ये बात सोचने वाली बात है कि जब एक महिला इतनी बदतमीजी पे उतर जाती है तो उसको समझाने के लिए हम हाजी भाई के पास गए और हाजी भाई को हमने कहा कि इस तरीके से मामले हैं, तो भाई ने कहा कि बराबर है, इसके सामने तो अपने को उतरना चाहिए। और हमने कहा कि हम उनको चप्पलों का हार पहने, भाई बोले बराबर। और वो बात का इतना बड़ा पतंगड़ बन गया कि वो मुद्दा हाजी अली से हटके हाजी भाई तक हो गया और फिर हमको सब मैदान में उतर के 500-600 लेडीजें हम उतरी थी और उसको रोका था। ये बात समझने वाली बात है कि एक महिला ने जब उसको समझाया मीडिया पे, आज वो कहीं दिख रही, कहीं बदतमीजी कर रही, इनडायरेक्ट मैसेज है कि वो समझ गई, वो पीछे आ गई। आगाज़ महिला ब्रिगेड में हम सब क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे पद के ऊपर एडवोकेट चित्रा सालून के हैं, सबसे बड़ी पत्रकार आप सब जानते होंगे अपनी वैशाली अहेर, वो है। तो इस तरीके से हमारे अभी ये जुड़ गई है हमारी अनुजा सहाय जो उनके बैंड के साथ जुड़ी है, हमारी ग्रामीण विभाग की महिलाएं जो दुलिया से आई हैं, ये महिलाएं ग्रामीण विभाग में काम कर रही हैं। आपने अभी भाई से सवाल किया कि अगर किसी महिला को तकलीफ है तो वो कैसे पहुँचेगी, हम किसी महिला को तकलीफ, जो तकलीफ वाली महिलाएँ उन तक हम पहुँच रहे हैं एंजाइना बन के। जैसे मैं भाई की मुरीद हूँ, उनकी स्टूडेंट हूँ, जैसे भाई कहते हैं आयोग अपना दारी, तो हम हर महिला तक हम पहुंच रहे हैं हमारी महिलाओं के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं का जाला बना। अभी तक कितना महिलाएं आपके साथ है? इस वक्त अभी तक तो हम दो क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक तो है लीगल और ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में हमने 3 विलेजेस अभी सिलेक्ट किया है, नागोटना है, खपोली है, जहाँ पे, और अभी हमने दुलिया लिया है कि जहाँ पे महिलाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, जहाँ पे रोज़गार का कोई माध्यम नहीं है और
वाहतुक क्षेत्र में इस वक्त महिलाएं जीरो के बराबर है। हम वाहतुक क्षेत्र पे ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वाहतुक क्षेत्र की तरफ महिलाओं को लाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ट्रेन ड्राइवर बनाया जाए, और जब वो एक तैयार ड्राइवर हो जाती है तो हम उसे छोड़ नहीं देते, उसे जॉब देने का, उनको रोजगार देने का काम करते हैं। ग्रामीण विभाग में महिलाओं को खाना वगैरह पकाने का हुनर, जो उनके यहाँ पे जो भी उगता हो, जैसे नागपुर में संतरे उगते तो उससे उनको क्या फूड इंडस्ट्री में कर सकते, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तब मैंने ये भजन गाई थी इससे पहले, तो अब्बू जी को वो बहुत अच्छा लगा, और एक टाइटल बन जाता है कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू का भजन गा रही है, तो इससे हम लोग ये साबित करना चाहते थे कि इंडिया में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब इंडियंस है, सब हिंदुस्तानी हैं। छोटी थी, जूनियर केजी में थी, तब बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल फंक्शन था तो उसमें हम गाए थे। मैं कुछ कहना चाहूँगी बच्ची ने जो भजन गाया उसके ऊपर, कि तीन वर्ड्स में कहना चाहूँगी, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत जज्बात। थैंक यू।